सरूड़ी साहब की मैं बाइट सुन रहा था कि सरकार ने कुछ नहीं किया, बाकी चीजें ये हो गई, रोडें हमारी ऐसी हैं जी, एलजीएल इंतजामिया इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती? इनको क्या लगता है ये भेड़ बकरियों को हांक रहे हैं? अगर सरूड़ी साहब से ही कोई बंदा ये पूछे कि भाई साहब आप खुद ये प्रोटोकॉल एंजॉय कर चुके हैं, आप तो खुद कैबिनेट मंत्री थे, आपके टाइम में कौन सा काम हुआ, आपने इस एरिया के लिए क्या किया, सिवाय करप्शन के इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और लोग इनसे जवाब लेंगे इंशाल्लाह। और ये जो हालात इनकी हो गई हैं, ये जो चार चार आठ आठ लोगों को लेके एक एक गांव मतलब गली गली में घूम रहे हैं, ये जो भद्रवा में हादसा हुआ परसों, यहां भी लोग आए, मैं कहूंगा उम्र का तकाजा है। कुछ लोगों ने ये कहा कि आप लकड़ी नहीं इतनी लगानी चाहिए, लकड़ी लगाई तो उस पर पेंट नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूंगा ये उम्र का तकाजा है, इस पर क्या बात की जाए। ये मैं कहता हूं इनको, ये ओल्ड स्कूल गैंग है। जब ये लोग पावर में थे तब कुछ नहीं कर पाए, अब तो इनके साथ कोई है नहीं। यही वो लोग हैं जिनके साथ 50-50, 60-60 हजार वोट लिए उन्होंने असेंबली में। दुनिया इनके साथ थी, हम भी इनके साथ थे, डेवलपमेंट के लिए हमने भी वोट दिया था, लेकिन मैं कहूंगा कि ये तब भी फेल थे, ये आज भी फेल हैं और ये इंशाल्लाह आगे भी फेल होंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान जो बात करने के लिए आदिल वानी साहब जो के सीनियर नेता हैं, और उनके साथ जो है शेख बशारत साहब मौजूद है। तो वानी साहब से पहले हम जानने को, वानी साहब रिसेंटली एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ असर में, जहां पर जो है 40 के करीब लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद जो है पुलिस ने और ट्रैफिक पुलिस ने काफी सख्त जो है इकदाम उठाए हैं, काफी कस के रखा हुआ है जो भी वायलेट कर रहा है ट्रैफिक रूल्स को, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्या नासिर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बड़े अहम मौजू पे मतलब बात छेड़ी है हमारे साथ। तो अगर मैं सबसे पहले इसी एक्सीडेंट की बात करूं, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट था कि मैं कहूं कि सबसे बड़ा हमारा चिनाब वैली का अगर कोई जिसमें ह्यूमन लॉस हुआ है, मैं कहूंगा यही वाला एक्सीडेंट था जिसमें तकरीबन 40 लोगों की जान गई और बहुत सारे लोग उसमें जख्मी भी थे। तो वही बात आती है, ओवर क्राउडिंग, स्पीड, जैसे अभी आपने कहा कि आजकल जो ये हर जगह फ्रीक्वेंट चेक पोस्ट लगे हुए हैं, नाके लगे हुए हैं, देख रहे हैं, पुलिस चेक कर रही है गाड़ियों को, उनके डॉक्यूमेंटेशन, तो ये बहुत अच्छा कदम है। बट मैं चाहूँगा कि ये जो एक्सरसाइज आज एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, चाहे पुलिस कर रही है या ट्रैफिक पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी, मैं क्योंकि मैंने परसों देखा कुछ एरियाज में, मैंने देखा कि मजिस्ट्रेट भी रोडों पे खड़े हैं, मतलब तहसीलदार को मैंने देखा कि वो हमारे एक जगह तहसीलदार साहब को मैंने देखा कि वो भी ये चलानिंग वगैरह कर रहे थे, गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छा कदम है और रिक्वेस्ट यही है कि ये चीज़ें जो आज हो रही हैं ये कंटिन्यूटी में रहें, ताकि चीज़ें धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। अदरवाइज यूजुअली हम देखते हैं बहुत सारे एक्सीडेंट्स पहले भी हुए, लेकिन 2-4 दिन 10 दिन तक आपको थोड़ा बहुत दिखेगा पुलिस रोड्स वगैरह पे, उसके बाद चीजें फिर वैसी हो जाती हैं, और फिर जब तक ना कोई दूसरा हादसा हो तो तब तक वो चीजें वैसी रहेंगी। बट इस बार मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, नई गाड़ियां इन्होंने SRTs को हम देख रहे हैं, परसों DC साहब ने एक बड़ा जबरदस्त मैं कहूंगा काम किया, 5 नई गाड़ियां इंट्रोड्यूस की हैं, कुछ जो लिंक रोड्स पे भी जा रही हैं, बाकी चीजें हैं, तो बहुत अच्छा अभी चल रहा है। तो वन साहब, इसके बाद हम देखते कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसके फौरन दूसरे दिन यहाँ पर भद्रवा में एक जबरदस्त आग लगती है ग्रीन कॉलोनी में, और जिसमें जो है 5 से 7 घर, होटल, कुछ एस्टेब्लिशमेंट भी जो है पुर्जे खाक हो गए, उनमें आग लगी। और उसके बाद जो है कुछ लोग जो है सरकार को ब्लेम करते हैं, कुछ लोग जो है डिपार्टमेंट जो फायर एमरजेंसी सर्विस को ब्लेम करते हैं, और काफी नेता लोग भी आए, लेकिन जब हमारी उन जो विक्टिम हैं जिनके घरों में आग लगी है, तो वो कहते हैं कि बस सब लोग हमसे जो फॉर्मेलिटीज आश्वासन ही देते हैं, तो हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है, और जितनी हमारी पूंजी थी उम्र भर की वो जो है कुछ ही पल में जो है जल गई, तो क्या कहेंगे इस पर आप? नासिर भाई, गालिबन मुझे लगता है एक दिन शायद वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था असर में, तो शायद सेम नाइट या दूसरे दिन यहाँ पे वो आग वाला इंसिडेंट हुआ। ये भी बहुत अफसोसनाक है। मैं कहूँगा कि अगर हम
ये बॉल किसी के कोर्ट में डालें कि फायर एमरजेंसी फायर सर्विसेज की मतलब वो इनएफिशिएंसी थी या जो कुछ भी था, बट मुद्दा ये है कि कोशिश की। मैं खुद देख रहा था, आप शायद वो लाइव कर रहे थे नाइट में, वो मैं सुबह देख रहा था मॉर्निंग में, उसमें एक गाड़ी मुझे दिख रही थी दंकल विभाग की, वहां पे गाड़ी तो थी बट उसकी मुझे वो बेबसी दिख रही थी, क्योंकि बाद में मुझे पता चला उसमें कुछ शायद वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, मोटर का इशू था, बाकी कोई चीजें थी। देखिए डिपार्टमेंट ने कोशिश तो की होगी, क्योंकि बाद में हमने बाकी गाड़ियां देखी जो वहां आके उनने कुछ ना कुछ तो किया, बट इस वक्त हम अगर ये कहें कि फायर सर्विसेज का उसमें ज्यादा रोल नहीं था, उन्होंने बढ़ चढ़ के काम नहीं किया, तो ऐसा भी गलत, मतलब मैं कहूंगा ये भी गलत है। अगर उनके पास मशीनरी नहीं है तो उनसे हम एक्सपेक्टेशन किस चीज की करेंगे। वही गाड़ियां मुझे लग रहा है 47 से पहले की वो दो गाड़ियां जो पासरी बस स्टैंड में खड़ी रहती थी, मुझे लगता है भदरवा में वही है। बड़े बड़े नेता आए या कोई, अगर कोई इन चीजों पे अगर कोई सियासत कर रहा है तो ये भी मैं कहूंगा अफसोसनाक है कि अगर कोई इन चीजों पे सियासत कर रहा है, इस पे तो वैसे मुझे लगता नहीं है कोई सियासत कर रहा है। अगर कोई आता है तो मुझे लगता है वो आउट ऑफ कर्टेसी सिंपैथी के लिए लोग आते हैं, सियासत कोई नहीं कर रहा है। बट हाँ अफसोस होता है कि कुछ लोग सामने आके, मैं अभी असर के इंसिडेंट की मैं बात करूं तो वहां मैं सुन रहा था हमारे बहुत कदावर नेता हैं हमारे सरूड़ी साहब की मैं बाइट सुन रहा था कि सरकार ने कुछ नहीं किया, बाकी चीजें ये हो गई, रोडें हमारी ऐसी हैं जी, एलजीएल इंतजामिया इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। बट मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती? इनको क्या लगता है ये भेड़ बकरियों को हांक रहे हैं? अगर सुरुड़ी साहब से ही कोई बंदा ये पूछे कि भाई साहब आप खुद ये प्रोटोकॉल एंजॉय कर चुके हैं, आप तो खुद कैबिनेट मंत्री थे, आपके टाइम में कौन सा काम हुआ, आपने रोडें कौन सी बनाई, आपने कौन से टनल्स बनाए, आपने इस एरिया के लिए क्या किया? रोडें तो दूर की बात है जनाब, ये रोडों की अलाइनमेंट ठीक नहीं कर पाए, सिवाय करप्शन के इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और लोग इनसे जवाब लेंगे इंशाल्लाह। और ये जो हालात इनकी हो गई हैं, ये जो चार चार आठ आठ लोगों को लेके एक एक गांव मतलब गली गली में घूम रहे हैं, ये वही अगर कुछ किया होता तो जो इनकी हालात हैं आज ऐसी नहीं होती। बट अफसोस होता है कि मतलब आप अपना किसी दूसरे के उसमें डाल दोगे कि नहीं जी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो आप लोगों ने क्या किया, कौन सी डेवलपमेंट हुई? इन रोडों की हालात देखो, मुझे याद है उमर साहब के टाइम में ये असर का जहां ये एक्सीडेंट हुआ, उमर साहब शायद चीफ मिनिस्टर थे तब, अगर मैं सही हूं तो बशारत साहब मुझे करेक्ट करेंगे, उमर साहब तब सीएम थे, रास्ता हमारा वो लैंडस्लाइड वहां पे आई, उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग कुछ वक्त के लिए वक्फे के लिए वो ऊपर से रोड निकाला। आप वो, आपको वो लगता है कि किसी मतलब एंगल से वो रोड दिखती है? मतलब जलेबी की तरह वो घूम रहा है हर जगह, और इतने साल हो गए उस रोड, मतलब वही रोड बनाई इन्होंने जो नीचे से हमारी जो मेन रोड थी उसको ये ठीक कर सकते थे। और ये कोई पहला हादसा नहीं हुआ जो वहां पे गाड़ी गई, ये परसों जो गई, आप देखो मुझे लगता है चार पांच महीने पहले हमारी एक डोडा की शायद इसमें एक्सियन साहब थे, उसमें जेई साहब पूरा ऑफिस उसमें था, बोलेरो एक गई थी सेम स्पॉट पे, और वो इतना मतलब आप देखो अलाइनमेंट ही नहीं है, उबड़ खबड़ है, जलेबी की तरह है। आप लोग कुछ चिल्ला रहे हैं कि हम उसमें जी वो होना चाहिए, क्या नाम है, क्रैश बैरियर्स, बिल्कुल होने चाहिए, मैं भी मानता हूं क्रैश बैरियर होने चाहिए, लेकिन अगर आपकी अलाइनमेंटें ऐसी हैं कि आपकी गाड़ी उठ के क्रैश बैरियर तो वहां पे भी था, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल चली गई तो वो उसके ऊपर से निकल गई, क्रैश बैरियर तो जो का तू वहां खड़ा है उसके ऊपर से गाड़ी निकल गई, तो क्या फायदा है उन क्रैश बैरियर्स का? लेकिन मैं फिर कहूंगा जो मेन बाकी जो रोड्स हैं हमारी उनमें क्रैश बैरियर्स होने चाहिए, एटलीस्ट जो छोटी गाड़ियां हैं उनमें बचाव हो, वो चिन्ह में ना गिरें। हाँ रही बात फिर से, अब मैं इस पे आता हूं, जो भदरवा में हादसा हुआ परसों, यहां भी लोग आए, मैं कहूंगा उम्र का तकाजा है, कुछ लोगों ने ये कहा कि आप लकड़ी नहीं इतनी लगानी चाहिए, लकड़ी लगाई तो उस पे पेंट नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूंगा ये उम्र का तकाजा है, इस पे क्या बात की जाए। देखिए नासिर साहब कहते हैं वो एक मुहावरा है, मरता क्या ना करता, ये मैं कहता हूं इनको, ये ओल्ड स्कूल गैंग है। अब ये सियासी लोग हैं, 40-40, 50-50 साल सियासत में रहे हैं, इनका आप अगर देखोगे ना ओल्ड स्कूल गैंग,
इसमें मैक्सिमम आपको रिटायर लोग मिलेंगे जो बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों से रिटायर हुए हैं, करने के लिए कुछ है नहीं, तो ये सियासत हो रही है। बाकी लोगों के साथ लेना देना मुझे नहीं लगता है। आज तक जब ये लोग पावर में थे तब कुछ नहीं कर पाए, अब तो इनके साथ कोई है नहीं। यही वो लोग हैं जिनके साथ 50-50, 60-60 हजार वोट लिए उन्होंने असेंबली में। दुनिया इनके साथ थी, हम भी इनके साथ थे, डेवलपमेंट के लिए हमने भी वोट दिया था। लेकिन मैं कहूंगा कि ये तब भी फेल थे, ये आज भी फेल हैं और ये इंशाल्लाह आगे भी फेल होंगे। अब इनके पास कुछ नहीं रहा, ये वही इमोशनल पॉलिटिक्स खेलते हैं लोगों के साथ। हमने ये बनाया, ठीक है आपने 20 साल पहले काम किया, लेकिन क्या काम किया? आज भी मैं बताऊं, जब आप मुझे बताओ भद्रवाह की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमें कभी मौका नहीं मिला कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का चीफ मिनिस्टर बने। हमने चीफ मिनिस्टर भी अपने इन हाथों से बनाए हैं यहाँ पे जम्मू में, ये अपना भद्रवाह में। लेकिन आज भी मैं आपको बहुत सारे गाँव दिखा सकता हूँ जहां पे रोड नहीं है, जहां लोग आज भी पैदल जाते हैं। बहुत सारे गाँव हैं हमारे जहां पे बिजली नहीं है, पोल नहीं है, तो बेसिक एमिनिटीज से हम दूर हैं, स्कूल्स नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये जो डेवलपमेंट का नारा देते हैं, इनको कहिए कि आप हमारे साथ चलिए, आप ये अपने कोजी रूम्स में बैठ के, मतलब सिटी में बैठ के आप बड़े बड़ी वो नारे देते हो, हमने ये किया, दूध की गंगाएं बही हैं, कुछ नहीं किया है। हम इनको दिखाएंगे, इनको कहो तो खुदारा ग्राउंड पे आओ, आपको रियलिटी हम बताएंगे कि जमीनी हकीकत क्या है। हो सकता है इन लीडरों तक भी वो बात नहीं आती है। इन्होंने जो 2-4, 8-10 बंदे रखे हैं, वही मतलब इनके वो आगे पीछे अपीजमेंट पॉलिटिक्स, अपीजमेंट कर रहे हैं। नहीं जनाब, सारा इलाका हमारे साथ है। मैं कहूंगा कि इंशाल्लाह वक्त आएगा, इनको भी दिखेगा कि इनके साथ कौन है, दूसरों के साथ कौन है। सच की सियासत करो, और सियासत एक बहुत अच्छी चीज है, सियासत कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर दयानतदारी से की जाए तो। भूषण साहब क्या कहेंगे आप, जो आज के हालात हुए, चाहे जो पुलिस की पकड़ धकड़ है या जो वाले साहब के साथ इस प्रकार की सियासत हो रही है, जो लोगों को जो इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्या कहेंगे? लेकिन आसिफ साहब, इन्होंने जो डेवलपमेंट की बात की, आधे दिन में उस डेवलपमेंट को थोड़ा सा कंसेप्चुलाइज करूंगा कि इन्होंने डेवलपमेंट किसको लिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कह रहे हैं। क्या डेवलपमेंट में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आ रही है? ये मुझे बताएं कि इन्होंने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ से कितना किया? अगर ये यहाँ से इन्होंने रिप्रेजेंट किया, यहाँ से MLA रहे, यहाँ से मिनिस्टर रहे, यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ? हम कल्चरली कितने डेवलप करें, यहाँ पर कैपिटल इनकम कितना इंक्रीज हुआ, ये उस पर बात करें ना। हमारा जो भद्रवाही कल्चर है उसको कितना इन्होंने प्रमोट किया, जो एक सॉफ्ट पावर हमारी उसको कितना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कह रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट किया। ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर टूरिज्म दिया, टूरिज्म को सबसे पहले क्या चाहिए? एसेसिबिलिटी, रोड। अब कोई बंदा 10,000 रुपए जम्मू से गाड़ी लेकर यहाँ पर तो नहीं आएगा इस रोड पर चलने के लिए कि कल वो मर जाएगा रास्ते में, उसको श्योरिटी तो नहीं है ना इस रोड की, इस रोड की अलाइनमेंट क्यों नहीं है। हम कहेंगे कि यहाँ पर ट्रेन है, क्या उत्तराखंड से ज्यादा यहाँ पर ट्रेन है? क्या हिमाचल प्रदेश से ज्यादा यहाँ पर ट्रेन है? क्या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से ज्यादा यहाँ पर ट्रेन है? नहीं है, क्योंकि यह विलिंग नहीं है ये कि यहाँ के लोगों का वेलफेयर करें। क्या यहाँ से एक प्रोजेक्ट, बहुत सालों से हम सुन रहे आ रहे हैं कि सुदमादेव से टनल निकल रहा है, आज तक उस टनल का काम नहीं लगा। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल वो है जिन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया, जिन्होंने यहाँ के लोगों ने जिनको वोट देकर आगे भेजा है, वो तो इसके रिस्पॉन्सिबल है, उनको तो जवाब देना पड़ेगा। अगर हिमाचल में एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, उत्तराखंड में इतने ज्यादा एक्सीडेंट नहीं हो रहे, तो चुनाव खिते में एक्सीडेंट हो क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर रोड की अलाइनमेंट नहीं है। रहा दूसरी पकड़ धकड़ की बात, कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। जब यहां पर हादसा होता है ये एक्टिव हो जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे ये प्रोएक्टिवली आज काम कर रहे हैं, ये आने वाले 24/7/365 इनको ऐसे ही प्रोएक्टिव करना चाहिए, काम करना चाहिए। जहां के लोग इनको आज क्यों सपोर्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि ये ग्राउंड पर है। आज इतना AI का जमाना है, आप स्मार्ट मीटर लगा सकते हो, कैमराज लगा सकते हो, वो आप पुलिस कंट्रोल रूम से कनेक्ट कर सकते हो कि अगर कोई गाड़ी स्पीड से आ रही है, अगले नेक्स्ट पुलिस स्टेशन तक वो बात जाएगी, वो उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये टेक्नोलॉजी का तो यूज करें कि जहां से लोगों की जिंदगियां बच सकें, क्योंकि लोगों की जिंदगियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपकी नजर में क्या करना चाहिए जिससे जो है ऐसे हादसे जो इन फ्यूचर ना हो? इन फ्यूचर इसमें यही करना चाहिए कि चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उनको प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए। दूसरी चीज, आप देखिए कि इस वक्त सारे ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 50-60% गाड़ियां साइडों में रखी हैं, लोग हर जगह सफर कर रहे हैं,
और गवर्नमेंट को ऐसा एक प्लान के साथ आना चाहिए, जैसे एसआरटी की बसेस लाई, यहाँ से 15 बसेस से तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कवर नहीं होगा, यहाँ से 20 से 30 40 बसें जब तक ना आई फिर जाकर हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टेबलाइज होगा। जो लोग आज सफर कर रहे हैं वो क्यों सफर करें, वो एडमिनिस्ट्रेशन की निलिजेंस, जो एडमिनिस्ट्रेशन एक सोई हुई एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन गाड़ियों को उन्होंने चलने की इजाजत दी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन आज माफी मांगेगी, क्या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आज माफी मांग सकती है कि हम सोए हुए थे इस वजह से ये 50% गाड़ियां चल रही थी? वो किसकी गलती है? वो आम लोगों की गलती नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी जिन्होंने चेक करना था, उन्होंने क्यों नहीं किया? क्या वो आज आग सामने आकर माफी मांग सकते हैं कि हमसे गलती हुई, हमने जो गाड़ियां नहीं चलनी थी, जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे, जो चलने के लायक नहीं थी, वो चल रही थी रोड पर, अगर आज वो साइड लाइन है तो इनको, मैं डीसी साहब की इस बात पर तारीफ करना चाहता हूं, उन्होंने एसआरटीसी की बसेस लाई लेकिन इन बसेस से काम नहीं चली। अगर आप यहां से जो स्टाफ टू स्टाफ सवारी है वो तो जा रही है, लेकिन जो बीच में सवारी वो कहां जाएगी? अगर यहां से आप डोडा जाओगे भद्रवाह से तो आपको यहां से मिल जाएगा, अगर 15 मिनट लेट होगा, 20 मिनट लेट होगा, आधा घंटा लेट होगा, लेकिन आपकी दुर्डू में सवारी है, दुमेर में है, सेरी में है, वो सवारी कहां जाएगी? उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। और एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी को यूज करें, जैसे डीसी साहब ने एक ऑर्डर निकला था कि कैमरे लगे, वो कैमरे लगेंगे तो उनका कंट्रोल कहां पर होगा वो भी देखना बहुत जरूरी है। वो कब तक फंक्शनल होंगे, क्या वो सिस्टम जल्दी डिफंक्ट तो नहीं होगा? जो ऐसे होता आ रहा है कि एक्सीडेंट होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत प्रोएक्टिवली काम करती है लेकिन कुछ समय के बाद वो सो जाती है। बशारत साहब ने बिल्कुल सही कहा, जो आज हमें दिख रहा है रोडों पे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ काम हो रहा है और लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं आज, तो ये बहुत अच्छी चीज है। बट हम यही रिक्वेस्ट करेंगे डीसी साहब से भी और कंसर्न अथॉरिटीज जो भी हैं कि इस चीज को कंटिन्यूटी में लाया जाए ताकि लोग भी हैबिचुअल हो जाएं, लोग भी हैबिचुअल हो जाएं, हमें पता हो कि नहीं यार इतने बजे हमें निकलना है, गाड़ी मिलेगी, इतना रश रहेगा। अदरवाइज पहले 2-3 दिन आपने भी देखा होगा क्योंकि आप कवरेज करते रहते हैं हर जगह पे, लोगों का जमावड़ा आपको मिलता था, चाहे पुलडोड़ा ब्रिज पे मिलेगा या भद्रवाह में आपको मिलेगा, लोगों को गाड़ियां नहीं मिल रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं तो एक बहुत अच्छा काम, मतलब वो काम चल रहा है, तो होपफुली मुझे लगता है ये कंटिन्यूटी में जाएगा। दूसरी चीज जो बशारत साहब बोल रहे थे बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि इस पे चेक्स होने चाहिए, जो कैमरा वगैरह है ये हर जगह हो और हर जगह पे नाके हैं देखा जाए। एक बात आपको और याद दिलाऊं मैं आपको, इस वक्त टूरिज्म की बात में बशारत साहब ने कहा कि एक्सेसिबिलिटी कहाँ पे है, इन रोडों की हालात देखो, टूरिज्म हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे। मैं आपको बताऊं नासिर भाई, टूरिस्ट क्या आएंगे जब उधमपुर से लेके उधमपुर जम्मू कुठवा का कोई एम्प्लाई या पुंछ रजौरी का कोई एम्प्लाई जिसकी पोस्टिंग डोडा में होती है ना, तो उसकी फैमिली जो है ना वो मतलब उस टेरर में चली जाती है, वो एक अजीब से डायलेमा में चली जाती है कि यार पोस्टिंग कहाँ हुई, डोडा, डोडा में मिलिटेंसी है क्या? नहीं, डोडा में कोई मतलब वो कुछ क्लाइमेटिक वो ऐसा है नहीं। एक ही चीज है जो पूरा है, मैं कहूंगा एक होविक है पूरे उसमें, वो क्या है? वो ये है चनाब और एक्सीडेंट्स, क्योंकि लोगों ने अपने मतलब जाने गवाई हैं, मिलिटेंसी में इतने लोग मारे नहीं गए जितने यहाँ एक्सीडेंट्स में लोग मारे गए। तो अगर पोस्टिंग किसी की यहाँ होती है पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है, यार ये पोस्टिंग पे जा रहा है, मतलब ये आप इसकी ये सुबह ड्यूटी जा रहा है, जब तक वो पहुंचेगा नहीं पूरा परिवार फोन कर रहा होता है भाई पहुंचे पहुंचे, हमारे साथ ऐसा होता है, बाहर वाले लोगों की तो बात ही नहीं। तो अगर इस तरह से डर का माहौल रहेगा, हमारी सड़कों का ये हाल रहेगा, ये एक्सीडेंट्स का इतना बड़ा आपको ये नंबर्स मिलेंगे, तो टूरिज्म कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ टूरिस्ट आएंगे? तो वही रिक्वेस्ट है, खुदारा इन रोडों को देखा जाए, आप अलाइनमेंट देखो, बटोत से आप नीचे उतरते हो हालत देखो रोड की क्या है, ना अप टू नाशरी, हमारे इस असर बगर वाले एरिया में क्या आप हालात देखो, गाड़ियां उछलती रहती हैं, बसें तो मुझे लगता है कैसे ये तो ऊपर वाले के ही भरोसे चलती हैं और कैसे ये ड्राइवर लोग इनको कंट्रोल करते हैं, अदरवाइज ये तो मुझे लगता है जिस तरह की हमारी रोडें हैं और जो इनका हिसाब किताब है यहाँ तो डेली हादसे होंगे।